नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपी। आज हम बना रहे हैं मसाला उपमा का एक शानदार चीजी मेकओवर। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मसाला उपमा। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले रखा है। पैन में डालेंगे थोड़ा जीरा। दोस्तों, ये चीजी उपमा है इसलिए हम इसमें करी पत्ते नहीं डालेंगे। जीरा क्रैकल हो जाए फिर हम डालेंगे अनियंस, तो ग्रीन चिली, अनियंस थोड़े से सॉफ्ट हो जाए फिर आपको जो भी पसंद है वेजिटेबल्स वो डाल दीजिए। ग्रीन पीस, स्वीट कॉर्न, कैरेट, पोटैटो, जो भी आपको पसंद है वो डाल दें। और इसमें थोड़ा सा नमक और बहुत ही थोड़ा सा हल्दी डालकर बस उसको पकने के लिए छोड़ दें। चेक करते हैं वेजिटेबल्स काफी पक गए हैं। अब इसको जल्दी और पकाने के लिए अब हम इसको थोड़ा सा गर्म पानी डाल के पकाएंगे। थोड़ा सा डालेंगे, गैस को तेज कर देंगे, पानी जल्दी से उबल जाए। और पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी उबल रहा है, मैंने गर्म पानी डाला हुआ है इसलिए जल्दी उबल गया ये। पानी बॉयल हो रहा है, अब हम थोड़ा थोड़ा करके सूजी डालेंगे इसमें, स्टर करते रहेंगे। स्लो में रखा है मैंने गैस को। बस अभी इसे पकने दें। ऐसे थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें, सब्जियों में तो हमने डाला था, बस सूजी के लिए थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं। अभी अच्छे से उपमा बन गया है, अभी हमने गैस ऑफ कर दिया है, अब इसको ठंडा होने तक छोड़ देंगे। दोस्तों, ये उपमा ठंडा हो गया है, अब हम इसको थोड़ा ऑयल लगा के हाथ में थोड़ा आटे की तरह गूंद लेंगे, फिर इसकी हम चीजी उपमा टिक्की टिक्की की तरह बनाएंगे। और चीजी उपमा है इसलिए मैंने यहाँ पर ले रखा है मोजरेला चीज़ और ये पनीर, इनसे हम इसका चीजी टिक्का बनाएंगे। पहले उपमा को हम आटे की तरह गूंदेंगे। थोड़ा सा हाथ में ऑयल लिया है मैंने, ऑयल लिया है, फिर हम इसको ऐसे ऐसे आटे की तरह सॉफ्टली मस लेंगे। मैंने आटे की तरह गूंद के एक बड़े बड़े बॉल बना के रख दिए हैं, अभी हम इसको टिक्की की शेप देंगे। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लें, फिर ऐसे करें, इसके अंदर एक मोजरेला चीज, सारे आटे की तरह गूंद के रख दिया था, अभी हम इसको टिक्की की शेप देंगे। एक में मैंने यहाँ पनीर डाला है, और एक में मोजरेला चीज डालूंगी। अभी अभी ऐसे बना दिया है, बाकी सारे ऐसे ही बना दें टिक्की, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अब सारी टिक्कियां ऐसे बना के रख दिया है, अब इनको
ऑयल में शैलो फ्राई करेंगे। मैंने पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल गरम हो गए हैं, अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। शेप आपको जितना बड़ा मन करे उतना ही बड़ा शेप रखें। देखिए दोनों तरफ से फ्राई हो गए हैं। आप इन्हें घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए आपको कैसे लगी। थैंक यू।